हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये देखिए फ्रेंड, आज की वीडियो में बनाएंगे हम ये कॉलर। ये देखिए देखिए कितनी प्यारी कॉलर लगती है, बिल्कुल राउंड कॉलर और बहुत ही ज़्यादा इजी है, जिसे कोई भी बिजनेस बहुत ही इजीली बना सकते हैं। तो ये हमने बाद में पूरी स्वेटर बनाने के बाद में ही अटैच की है, अलग से ही बना के। तो अगर आपने अपनी पूरी स्वेटर बना ली है तो उसके बाद भी आप ये लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये मैंने छोटा सा बेबी का स्वेटर बनाया है। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और बहुत ही सिंपल सा पैटर्न इसमें अप्लाई किया है। स्लीव्स में भी सेंटर में इस तरह से डिज़ाइन दिया है। तो अगर आप ये कॉलर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए इस कॉलर को बनाने के लिए यहाँ पर ये मैंने लिए हैं 24 फंदे। ये अब इसको बनाने के लिए हम यहाँ पर शुरू में सीधा बनाएंगे। इस सिलाई को हम पूरी को सीधा बुनेंगे। और इस साइड से इसे हम उल्टा बुनेंगे। इस सिलाई को पूरा ही हमें उल्टा बनाना है। फ्रेंड ये हमारी दो सिलाइयां बनकर इस तरह से ये कंप्लीट हो गई हैं। अब हम यहां से उल्टा बुनेंगे। यहाँ से हम ये उल्टा बनेंगे। 18 फंदों को हमें उल्टा बुनना है। देखिए फ्रेंड ये हमारे 18 फंदे बना लिए हैं हमने, और ये हमारे 6 फंदे हैं यहाँ पर अभी, और ये टर्न कर लेंगे। इन 6 फंदों को हमें नहीं बुनना है और यहाँ से हम सीधा बनाएंगे। इस साइड से जो बनेंगे ये हमारा सीधा बनेगा। ये देखिए इस तरह से ये बन गया है। अब ये हम इधर आएंगे, इधर से उल्टा ही बुनेंगे। ये देखिए ये हमारा यहाँ पर इतना बन गया है। अब हम ऊन पीछे करेंगे और इन फंदों को हम सीधा ही बुनेंगे। 6 के 6 फंदों को हम सीधा बनाएंगे। और ये इधर से इन 6 फंदों को तो हम उल्टा ही बुनेंगे। चार, पांच, छः, 6 फंदों को हम उल्टा ही बनाएंगे। ऊन पीछे लेंगे और इधर से हम सीधा बनेंगे। अब ये पूरी यहां तक सिलाई हम पूरी सीधी बनेंगे। ये देखिए इस तरह से ये सिलाई पूरी बन गई है। अब इस सिलाई इस साइड से हम सीधा बुनेंगे। पहला फंदे को ऐसे स्लिप कर लीजिए या बुन लीजिए, ऊन पीछे और ये सीधे। ये 18 फंदों को हमें सीधा बनाना है।
तरह से। बस इस बात का ध्यान रखना है हमें कहाँ उल्टा बुनना है कहाँ सीधा, वरना तो बहुत ही इजी कॉलर है ये। ये देखिए इन फंदों को हमने सीधा बुन लिया है, अब हम ऊन आगे लेंगे और इन 6 फंदों को उल्टा बुनेंगे। ये देखिए और इस साइड से इन 6 फंदों को सीधा बुनेंगे। ये पोर्शन हमारा बढ़ता जा रहा है और ये हमारा वही है। अब इन 18 फंदों को हमें सीधा ही बुनना है। इन्हें हमें सीधा बनाना है और ये वाले फंदों को हमें भी नहीं बुनना है, यहीं से हम इसको टर्न करेंगे और इस साइड से भी इसको उल्टा ही बुनेंगे। ये देखिए इस साइड से ये कितना बड़ा हो गया और इस साइड से ये वही है। अब इस साइड की जो सीधी सिलाई है इसको हमें पूरा ही बुनेंगे और उधर से उल्टा भी पूरा। इसमें हमें उन 6 फंदों को छोड़ना नहीं है। ये सिलाई पूरी करते हैं हम पहले सीधी बना के। पूरी सिलाई ये हमारी सीधी बुनी जाएगी। देखिए यहाँ पर ये 4 सिलाई सीधी हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है, तो अब हम यहाँ पर उल्टा बुनेंगे। पहले इन 18 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। देखिए और ये जो 6 फंदे हैं इन्हें हम सीधा बुनेंगे। इन 6 फंदों को उल्टा बुनेंगे 4, 5, 6 फंदों को उल्टा बुनेंगे और उन पीछे लेके इन 18 फंदों को सीधा बनाएंगे। जैसे जैसे ये बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे हमें ये क्लियरली समझ आता जाएगा कि ये हमारी कैसे बन रही है। तो इस साइड से भी अब हम ये उल्टा बनाते हैं। सिक्स फंदे हमें यहाँ पर छोड़ने हैं, ये वाले 6 फंदे, और यहीं से हमें इसको टर्न करना है। और इनको हमें सीधा बुनना है। अब इधर से ये हम सीधा बनाएंगे। वन
वही होगा, हम पहले अपने 18 फंदों को इस तरह से सीधा बुन लें। बनाया है हमें, और जो ये हमारे दो फंदे हैं इन्हें हम सॉरी और जो ये हमारे 6 फंदे हैं इन्हें हम उल्टा बुनेंगे। इन्हें सीधा बुन लेंगे, 6 फंदों को सीधा। छह फंदे सीधे हैं और बाकी के ये 18 फंदों को हमें उल्टा ही बुनना है। ये देखिए इस तरह से ये बढ़ती चली जाएगी और यहां पर ये राउंड नेक के लिए बनता चला जाएगा। थोड़ी सी मैं ये बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमारी किस तरह से लग रही है। ये देखिए ये मैंने इतनी बड़ी बुन ली है यहाँ से, ये इस तरह से यहाँ पर ये चार चार सिलाइयाँ होती जा रही हैं, तो इसलिए ये बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर ये हम दो दो सिलाई कर रहे हैं, बीच में दो सिलाई के बाद ही हम इधर टर्न हो जाते हैं, तो ये हमारा छोटा। इसी तरह से ये घूमते घूमते राउंड शेप में ये पूरा इसी तरह से बनेगा, जैसे ये करके ये अब तक बना है, सेम इसी तरह से। बस जो हमारा स्वेटर बना हुआ है हमें उसकी नेक्सिस को नाप लेना है कि आया हमारे ये पूरा हुआ या नहीं। तो अभी तो ये मेरा छोटा है, तो अभी मैं थोड़ा और बना लेती हूँ। बड़ा बनाने के बाद थोड़ा सा मुझे लगे कि हाँ ये कंप्लीट होने वाला है, तो उसके बाद फिर मैं इसको नाप के आपको दिखाऊंगी और फिर इसको कैसे अटैच करते हैं वो भी बताऊंगी। तो पहले मैं थोड़ा सा और बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारी पूरी कॉलर बनकर तैयार है इस तरह से। अब ये हमारी कंप्लीट हुई है या नहीं, तो ये हम पहले स्वेटर से नापेंगे, तब चेक करेंगे कि ये हमारी कंप्लीट है या नहीं। तो देखिए ये हमने एक छोटा सा स्वेटर बनाया है, बिल्कुल कार्डिगन, ये देखिए। ये हमने 2 साल की बच्ची के लिए बनाया है। यहाँ पर भी देखिए ये पैटर्न इस तरह से दिया है, बिल्कुल नीचे से जैसे हमने कोई भी फंदा घटाया बढ़ाया नहीं, जैसे फंदे हमने ये नीचे डाले हैं ऊपर तक ही हमने इसी तरह से बुनकर तैयार किया है। तो हमने जो इसका नेक है, हमने नेक नहीं बनाया था क्योंकि हमारा प्लान इसमें ये वाली कॉलर लगाने का था। तो हम ये वाली कॉलर नाप लेते हैं, ये देखिए ये इसकी जो बटन पट्टी है इस पर नहीं लगाएंगे हम, इसको छोड़कर ही नापेंगे इस जगह से जहाँ से ये डिज़ाइन के बराबर से यहाँ से। तो देखिए ये बिल्कुल कंप्लीट आई है इस तरह से, यहीं से इसकी ये बटन पट्टी स्टार्ट हो गई है, यहाँ से इसकी बटन पट्टी स्टार्ट है। तो ये हम यहाँ पर अभी इसको बंद करेंगे, तो ये इस तरह से हमारी यहाँ पर बनकर आएगी। ये देखिए इस तरह से ये बनकर आएगी। तो अब आपने देख ही लिया है कि ये हमारी इस तरह से पूरी हो गई है, तो अब हम इसको यहाँ पर बंद कर देते हैं। और बंद करने के बाद मैं आपको इसको स्टिच करना भी बताऊंगी कि इसमें हमने इसको स्टिच किस तरह से किया है। इसको यहाँ पर बंद कर लेते हैं हम इस तरह से, चाहे तो आप इसको उल्टे में बंद कर लीजिए या इस तरह से पीछे में बंद कर लीजिए। हमारी सीधी साइड आई हुई है, तो इस तरह से हम इसको 2 का 1 करेंगे, बहुत ही ढीला ढीला बंद करेंगे हम इसको, बिल्कुल भी टाइट बंद नहीं करेंगे। तो इस कॉलर को अब हम लगा लेते हैं। तो देखिए जैसे कि ये कॉलर हमारी ऐसे आने वाली है, तो इस कॉलर को हम ऐसे नहीं सियेंगे बल्कि इसकी इस साइड से हम सियेंगे, ताकि जब ये सिलाई है हमारी अंदर आ जाए और कॉलर हमारी इस तरह से पलट जाएगी। तो इसको हम यहाँ से सीना स्टार्ट करें, इस बटन पट्टी को छोड़ते हुए यहाँ से लगाएंगे।
जो हमारा बिल्कुल ऊपर का, हमारा मेन मेन ऊपर का फंदा होता है, इसी को हम उसमें लेंगे। आप किसी भी तरीके के इसको सी सकते हैं, जैसे भी आप स्वेटर सीते हैं, चाहे तो आप इसको इस तरह से सी लीजिए और चाहे आप इसको बखिया के स्टाइल में सी लीजिए। देखिए अब ये हमारा बैक आ गया है, हमें बिल्कुल भी खींचना नहीं है। अगर हम इस तरह से खींच खींच के लगाएंगे तो हमारी कॉलर छोटी पड़ेगी और झोल भी आएगा। हमें इसको बिल्कुल स्मूथली इसके ऊपर इस तरह से रखना है यहाँ पर और हमें सिलना है। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारी इस तरह से ये सिलकर तैयार हो गई है। इस तरह से देखिए, सिलने के बाद इसको आप यहाँ पर देखिए, मैंने ये एक ही बटन खोलकर बनाया है। अगर आप चाहते हैं कि इसको बंद स्वेटर में लगाना इस कॉलर को, तो आप वो भी बना सकते हैं। आई होप फ्रेंड आपको ये कॉलर बहुत ही पसंद आई हो। अगर बहुत पसंद आई है तो बहुत सारे लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।